हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी क्रीम का सच जानने वाले हैं जो कि बहुत ही सस्ती क्रीम है, सबसे सस्ती फेयरनेस क्रीमों में शुमार है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सवन सुधा जो कि फेयरनेस क्रीम है और 7 दिन में रिजल्ट देने का दावा करती है। चैलेंज इसका रहता है 7 दिन में चेहरे को फेयर करने का। तो क्या है सच्चा, इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों कंप्लीट। इससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। वैसे दोस्तों, सबसे पहले पैकेजिंग प्राइजिंग बता के मैं आपको चौंका देता हूँ। इसका 15 ग्राम का पैकेजिंग और 40 रुपये के आसपास का प्राइजिंग है। बिल्कुल सबसे सस्ती फेयरनेस क्रीम है दोस्तों, जो कि दावा करती है 7 दिन में चेहरे को फेयर बनाने का। क्या है सच्चा, इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसको मेरे फ्रेंड ने यूज किया है, तो इसको कैसे रिजल्ट मिले हैं और क्या साइड इफेक्ट हुए हैं ये जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, ये बिल्कुल सस्ती क्रीम है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या यूज किए गए हैं, तो काफ़ी सेफ इंग्रेडिएंटों का इसके अंदर यूज किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। वैसे रिजल्ट की अगर बात करें तो यूजेस के बारे में जाने तो दोस्तों, इसका यूज 15 साल से बड़े गर्ल्स बॉय दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्रीम को। वैसे इसको 2 से 3 मंथली तक रेगुलरली इस्तेमाल किया जा सकता है, डे एंड नाइट यूज किया जा सकता है। रिजल्ट की अगर बात करें तो प्रेस मेरे फ्रेंड ने इसको यूज किया है और 21 दिन में इसके कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। उसकी स्किन पहले के मुकाबले ड्राई हो चुकी है और डार्क भी वापस से हो चुकी है। पहले स्टार्टिंग 1-2 दिन में उसको काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आया था, लेकिन फिर रेगुलरली इस्तेमाल करने पर दोस्तों उसकी स्किन भी ड्राई हुई है और पहले के मुकाबले ख़राब सी हो गई है स्किन दोस्तों, इतनी अच्छी नहीं दिखती है, डार्क हो गई है। तो दोस्तों, इस क्रीम का आप यूज ना करें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, वरना दोस्तों आपका स्किन डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, क्योंकि ऐसी कोई भी जो भी सस्ती क्रीम होती हैं उनका यूज ना करें। जो ऐसी क्रीम है 100-150 रुपये की, उनको यूज नहीं करना चाहिए आपको, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो जैसे हेयर स्किन ड्राई होना, इसके अलावा दोस्तों स्किन पर जैसे दाने होना इक्के दुक्के, इसके अलावा पहले के मुकाबले स्किन और ज़्यादा डैमेज होना, ऐसे साइड इफेक्ट इसके देखे जाते हैं। इसलिए वह ऐसी क्रीम को यूज ना करें, यूज कर रहे हैं तो बंद कर दें। एक सेफ कोजीविट जेल या कोजीविट ग्लो क्रीम यूज कर सकते हैं।